तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एग्री एग्जामर। माई सेल्फ अभिषेक दुबे, और आज हम बात करेंगे एनिडेशन एंड एलेलोपैथी की। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों टर्म जो हैं एग्रीकल्चर इंटरक्रॉपिंग से रिलेटेड हैं। तो एनिडेशन की एलेलोपैथी की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले एनिडेशन को बात करते हैं। तो एनिडेशन क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप इन द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज एनिडेशन। जब दो क्रॉप हम लगा रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो उनके बीच में अगर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होगा तो उससे हमें इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। फिर प्लांट, जब हम प्लांट को एक लगाते हैं दूसरे में, तो उसको एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा, उसके यील्ड को बढ़ाएगा, उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन देगा, उसे हम एनिडेशन कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एनिडेशन अकर बोथ स्पेस एंड टाइम। एनिडेशन जो है हमारा स्पेस में और टाइम दोनों में पाया जाता है, दोनों में ये मतलब मिला होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेटल एनिडेशन की। एनिडेशन इन स्पेस, जब स्पेस को लेके दो क्रॉप में इंटरक्रॉपिंग में एनिडेशन हो, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन हो, तो उसे हम स्पेटल एनिडेशन कहते हैं। तो जैसे कि ये नॉर्मली ये मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, जैसे कि हम एक टाल लगा दिए, एक छोटा सा लगा दिए, जैसे हमने एक बड़ा सा लगाया है टाल प्लांट लगाया और एक साइड लविंग छोटा प्लांट लगाया, तो इसका जो अंडरनीथ में अगर इसके ये रहेगा तो ये लॉन्गर लाइट या ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा लाइट इसको चाहिए होगा, इसका इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। जबकि ये हमारा जो प्लांट है इंटरक्रॉपिंग जो इसके साथ हम कर रहे हैं, ये एक तरीके से सैड लविंग है, इसको एक कम लाइट चाहिए, कम इवापोरेशन चाहिए। तो इस प्रकार के जो इनिडेशन होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन इन स्पेस को लेके होता है, तो उसे हम स्पेटल इनिडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परल इनिडेशन। इनिडेशन इन टाइम, जब टाइम को लेके हमारा, जैसे हमने एक इंटरक्रॉप लगा दिया, दूसरा इंटरक्रॉप लगा दिया, दोनों में टाइम को लेके, जैसे कि अगर एक क्रॉप लगाया उसका जीरो हैबिट है, मतलब दोनों के कम्पिटेटिव नहीं है, दोनों के कंपटीशन नहीं है, तो इस प्रकार को टाइम के लेके जब हम इनिडेशन होता है तो उसे हम टेम्परल इनिडेशन कहते हैं। जैसे कि हमने एक इंटरक्रॉपिंग लगा दिया मेज का, दूसरा इंटरक्रॉपिंग लगा दिया मतलब उड़द का, तो उड़द का जो पीक डे हमारा होता है न्यूट्रन का, वो 30 to 35 डे होता है, जबकि हमारा मेज जो होता है उसका 50 डेज पे होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्रॉप, मतलब इनमें इनिडेशन होगा, इनमें कोई कम्पिटेटिव नहीं होगा, क्योंकि इनमें पीक डे अलग टाइम पे होगा, तो जो सॉइल की अवेलेबिलिटी है न्यूट्रेंट की, वो एक दूसरे को मतलब अच्छी तरीके से मिलेगी, मतलब कोई कम्पिटेटिव नहीं होगा। मेज को जब चाहिए होगा 50 डेज पे अवेलेबल हो जाएगा, 35 डेज पे उड़द को चाहिए तो मेज को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार का जब टाइम के लेके इनिडेशन हो तो उसे हम टेम्परल इनिडेशन कहते हैं। तो आगे बात करते हैं एलेलोपैथी की। तो ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर में, एलेलोपैथी क्या होता है। तो जैसे कि दो प्रकार के कम्पिटेटिव होते हैं, एक होता है फिजिकल कम्पिटेटिव, एक होता है केमिकल कम्पिटेटिव। जब फिजिकल कम्पिटेटिव की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, इसमें करेंगे केमिकल कम्पिटेटिव क्या होता है। जब हमारा एक प्लांट है, कोई भी क्रॉप हो, अगर उसके एलेलोपैथी मतलब केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है जो कि दूसरे क्रॉप को इफेक्ट करता है, नेगेटिव उस पर नेगेटिव मतलब एक तरीके से इफेक्ट करता है, उसके ग्रोथ को रोकता है, उसके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को रोकता है, तो उसे हम एलेलोपैथी कहते हैं। तो एलेलोपैथी में बहुत सारे हो गए, जैसे बात करते हैं सनफ्लावर की। सनफ्लावर में जैसे कि हमने सनफ्लावर लगा दिया, तो इसको जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसके जो रूट्स होते हैं डिकम्पोजिशन के टाइम एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो कि सक्सीडिंग क्रॉप या जो आने वाली क्रॉप होता है उसके ग्रोथ को, उसके जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है। तो ये भी एक तरीके का एलेलोपैथी हो गया। तो इसकी वजह से हम जब दूसरी क्रॉप को लगाते हैं तो या सोविंग करते हैं, तो 15 से 20 दिन के लिए हम लेफ्ट डे या मतलब छोड़ के रखते हैं फील्ड को, जिससे डिकम्पोजिशन अच्छे से हो जाए। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एलेलोपैथी। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रू एलेलोपैथी, एक फंक्शनल एलेलोपैथी। फिर एलेलोपैथी ऑब्जर्व इन टू वे, ये दो वे में ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले एलो इनिबिशन, द केमिकल सब्सटेंस रिलीज वन स्पीसीज में इन विनरी स्पीसीज ऑफ प्लांट स्पीसीज वन रिगार्डिंग रिलीज। जैसे एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, ये दूसरे प्लांट के नेगेटिव इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, और इसके ग्रोथ या इसके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को ये कम्पिटेटिव एक तरीके से इफेक्ट करेगा। तो इस प्रकार को हम एलो इनहिबिशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा आउटर इनहिबिशन, ये खुद के ही प्लांट में रिलीज करता है और टॉक्सिक इफेक्ट खुद के ही प्लांट को डालता है, तो इस प्रकार को आउटर इनहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एलेलो केमिकल। एलेलो केमिकल क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर एक प्लांट है तो दो प्रकार के ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा, एक तो या तो लीव्स के द्वारा जिसे एरियल इनिडेशन एरियल एलेलोपैथी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रूट के द्वारा, जिसे हम रूट का एलेलोपैथी भी कह सकते हैं।
तो ये वेरी करता है कि जेनेटिक मेटअप क्रॉप का कैसा है, क्रॉप का टाइप कैसा है, क्रॉप किस इन्वायरमेंट में रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो रूट वाला, रूट के लिए। तो इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए, वॉलनट है, कुकुम्बर है, पीच है, हुज लिविंग रूट, जैसे कि इसको जो जिंदा मतलब लिविंग जो रूट होते हैं वो दूसरे क्रॉप को इफेक्ट करते हैं, दूसरे क्रॉप को ग्रोविंग को या उसके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को या ग्रोथ को ये इफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार को हम रूट लिविंग और रूट एलोपैथिक केमिकल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूकेलिप्टस। जब हम यूकेलिप्टस के आसपास में मस्टर्ड की सोविंग करते हैं, मस्टर्ड की हम कल्टीवेशन करते हैं, तो जो यूकेलिप्टस होता है इसके लिप्स में केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रेन ड्रॉप के द्वारा, एयर ड्रॉप के द्वारा, वो जब इस फील्ड में गिरता है मस्टर्ड के द्वारा, मस्टर्ड के, तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से वो रिलीज सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि मस्टर्ड के जर्मिनेशन को मतलब वो इनहिबिट करता है, रोकता है या उसको नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो उस प्रकार को हम एरियल एलो केमिकल कहते हैं। आप देखिए लिखा भी है इस पर, उसके रिड्यूस जर्मिनेशन को रोकता है। फिर अगर हमारा एक क्रॉप है दूसरे क्रॉप को मतलब इफेक्ट नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम नेगेटिव एलोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अ लेग्यूम इफेक्ट। तो लेग्यूम इफेक्ट क्या होता है, लेग्यूम को अगर हम किसी भी इंटरक्रॉपिंग के साथ, जैसे एक क्रॉप है, ए क्रॉप है, बी क्रॉप के साथ हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से जो हमारा सीरियल के साथ अगर हम इंटरक्रॉपिंग करें तो 25% नाइट्रोजन को बचाता है, मतलब ये क्योंकि फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, तो जिसकी वजह से 25% नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बचाता है और बढ़ाता है, सक्सीडिंग क्रॉप के लिए भी अवेलेबल करता है। जबकि फास्फोरस को ये इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म या मोबिलाइज फॉर्म में अवेलेबल करता है सक्सीडिंग क्रॉप या उसी क्रॉप को। तो ये लेग्यूम इफेक्ट के फायदे हैं, लेग्यूम इफेक्ट इसे ही कहते हैं। फिर इसका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लेग्यूम क्रॉप का हाईएस्ट हो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक तरीके से इफेक्ट करता है, क्रॉप को पॉजिटिव इफेक्ट देता है, क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाता है, क्रॉप की जर्मिनेशन, जर्मिनेशन तो नहीं कह सकते, ग्रोथ को बढ़ाता है, उसके मेच्योरिटी को अच्छी तरह से लाता है और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉटन इफेक्ट। तो जो कॉटन कॉटन है, फिर कॉटन का जो रूट होता है ये 90 to 120 डिग्री तक जाता है, 120 सेंटीमीटर तक जाता है। तो उसके बाद अगर हम मान लीजिए कॉटन लगाए, तो ये इसका जो न्यूट्रिएंट ये मतलब एब्जॉर्ब करेगा, वो जाहिर सी बात है नीचे ज़्यादा डीपली में जाहिर करेगा, डीपली से लेगा। तो जबकि हमारा जो सक्सीडिंग क्रॉप या आने वाला जो क्रॉप है हमारा, अगर वो सेलो रूटेड हो गया जो कि 30 to 35 सेंटीमीटर तक वो मतलब उसके रूट जाएंगे, तो इसको जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कॉटन जो है वो डीपली में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया है, जबकि इसके अकॉर्डिंग रिवर्स में हमारा जो सैलो रूट का क्रॉप है वो कम डीपली में जाएगा और उसको न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अच्छे से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।